हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। खान साहब ने अवाम के मुआशी हकूक पर डाका मारा। हुक्मरानों ने सिर्फ महंगाई गुर्बत में इजाफा किया। हर साजिश नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो का नसीराबाद में जलसे से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते के अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान ने सीपैक की आला मेयार की तरक्की से बहुत फायदा उठाया। भारत में अस्करियत पसंदी इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना को मक्खी की तरह निकाल दिया। अंधे ख्वाब देखने वाली ओपोजिशन सियासी मौत मरने जा रही है। इनको लॉन्ग मार्च से दिलचस्पी नहीं, ये सिर्फ मीडिया में जिंदा रहना चाहते हैं। यौम यकजहती कश्मीर पर मजीद इंतशार की बातें की गई। कोई खौफ नहीं, जहां अदम एतमाद लाना चाहते हैं ले आए। शेख रशीद की ललकार। लूटमार करने वाले फिर इकट्ठे। कल दोनों खानदानों ने फिर मिलकर लूटने का वादा किया। इन्होंने मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब डाल दिए। जरदारी और शरीफों की तरह गरीबों की मदद नहीं कर सकते, शहबाज गिल की धमकी। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन मुत्तहिद, पीपल्स पार्टी से बातचीत जारी रहती है। महंगाई की वजह से पीटीआई रहनुमाओं का अपने हलकों में जाना मुश्किल हो गया। 3 साल में सीपैक का कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी की हैदराबाद में मीडिया टॉक। सुरों का एक अहद तमाम दिलों के तार छेड़ने वाली बड़े सगीर का बड़ा नाम लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में चल बसी। लता को पहले नमूनिया फिर कोरोना हुआ। वो 1 माह से मुंबई अस्पताल के ICU में जेरे इलाज थी। भारतीय सरकार का 2 रोजा शोक का ऐलान। आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ होंगी। दुनिया भर में करोड़ों मद्दा सोगवार। लता ने जो गाया कमाल गाया। 20 जुबानों में 50,000 से जायद गीत जुबान जदयाम। भारतीय शहर इंदौर से कोयल की कूक उठी और दुनिया भर में छा गई। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मावती भूषण, कई फिल्म फेयर अवार्ड समेत दर्जनों एजाजात सुरों की देवी के नाम। सबसे ज्यादा गीतों पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज। लेजेंडरी गुलुकारा लता का 1942 से 2015 तक सुरों का लाजवाब सफर। बुलबुले हिंद ने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के साथ आवाज का जादू जगाया। रफी, मुकेश, मनाटे, किशोर, मोहम्मद अजीज, कुमार सानू, उद्दत नारायण और सोनू निगम के साथ भी लाजवाब गीत गाए। सुरों की देवी ने मलका तरन्नुम, नूर जहां को आइडियल माना। मेहदी हसन और आबिदा परवीन की भी दीवानी थी। कोरोना की 5वीं लहर से मजीद 30 अफराद जान से गए। अब तक 29,478 अमवात। 24 घंटे में 4,874 नए मरीज। 14,59,773 शहरी मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 8.69% रिकॉर्ड। सिंध में आटे की कीमतें आसमान पर। कराची में 20 किलो थैले की कीमत 1600 रुपए तक पहुंच गई। बलूचिस्तान का 2रा नंबर। पंजाब में आटे की कीमतें दीगर सूबों से कम। लाहौर और दीगर शहरों में 20 किलो का बैग 1100 में दस्तयाब। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। और सुपर लीग में सुपर मुकाबले जारी। PSL 7 में मुसलसल 4 बार हार से 2-4। बाबर 11 को पहली फतह की तलाश। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगे।